जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। तो फिलहाल हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे शरद पूर्णिमा का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके सितारे में। अब बात करते हैं महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि शरद पूर्णिमा का महात्म्य क्या है, शरद पूर्णिमा की तिथि को किस प्रकार हम अपने लाभ के लिए अपने जीवन में प्रयोग में ले सकते हैं, शरद पूर्णिमा में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वर्ष की सभी पूर्णिमा में अश्विन मास की पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। यह पूर्णिमा शरद ऋतु में आने के कारण इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद ऋतु की इस पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र का अश्विनी नक्षत्र के साथ संयोग होता है। अश्विनी जो नक्षत्र क्रम में प्रथम नक्षत्र है, जिसके स्वामी अश्विनी कुमार हैं। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है, जिसका प्रचलन युवाओं में बहुत है, यानी रूप सौंदर्य बढ़ाने के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे जीवन साथी की प्रार्थना कामना के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन, व्रत की कथा की जाती है, ये इसका विधान है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से तथा इन्हीं पाठों से हवन करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, ये करना चाहिए। इस विधि से कोजागर व्रत करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं तथा धन धान्य, मान प्रतिष्ठा आदि हर प्रकार के सुख प्रदान करती हैं। प्राचीन शास्त्रीय कथा के अनुसार चवन ऋषि को आरोग्य का पाठ और औषधि का ज्ञान अश्विनी कुमारों ने ही दिया था। यही ज्ञान आज हजारों वर्ष बाद भी हमारे पास अनमोल धरोहर के रूप में, आयुर्वेद के रूप में संचित है। अश्विनी कुमार आरोग्य के स्वामी हैं और पूर्ण चंद्रमा अमृत का स्रोत होता है। यही कारण है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस पूर्णिमा को ब्रह्मांड से यानी चंद्र देव से अमृत की वर्षा होती है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। यहाँ आपको एक बात थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आपके मन में दुविधा ना हो कि आप बताते हैं कि दिवाली की रात में या धनतेरस के समय में भी उनका जन्म हुआ था। धनतेरस पर उनका जन्म नहीं हुआ था, धनतेरस पर समुद्र मंथन से उनका प्रादुर्भाव हुआ था और जन्म माँ लक्ष्मी का शरद पूर्णिमा की रात में हुआ था। इसीलिए शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजन का विशेष महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। वह दिन जब इंतजार होता है रात्रि के उस पहर का, जिसमें 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा अमृत की वर्षा धरती पर करते हैं। वर्षा ऋतु की जरावस्था और शरद ऋतु के बाल रूप का यह सुंदर संयोग हर किसी का मन मोह लेता है। प्राचीन काल से शरद पूर्णिमा को बेहद महत्वपूर्ण पर्व या तिथि के स्वरूप में माना जाता है। शरद पूर्णिमा से हेमंत ऋतु का आरंभ भी होता है। रात्रि 12 बजे होने वाली इस अमृत वर्षा का लाभ मानव को मिले, इसी उद्देश्य से चंद्रोदय के समय
खुले आकाश के नीचे दूध और चावल की खीर बना करके या दूध और साबूदाने की खीर बना करके या फिर सिर्फ चांदी के पात्र में या शीशे के बर्तन में दूध रखा जाता है जिसका सेवन रात्रि 12 बजे के बाद किया जाता है। कम से कम 2 घंटे 12 बजे से या 10 से 12 एक बजे तक आपको उस चंद्रदेव की रोशनी के नीचे खुले आकाश के नीचे आपको रखना चाहिए। और जिस समय आप इसको वहां पर रखते हैं तो जो मंत्र मैं बताऊं उस मंत्र का जाप यदि आप करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलह रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। इस मंत्र को पुनः सुन लीजिए, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलह रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। ऐसा भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि खुली आकाश के नीचे जब आप ये इस पात्र को रखते हैं, आप इस खीर को बना करके रखते हैं या आप दूध रखते हैं, भगवान विष्णु को भी उस दिन खुली चांदनी में रखा जाता है, भगवान विष्णु का पूजन होता है और वहाँ बैठ करके खीर को देखते हुए खीर में ध्यान लगा करके निहारते हुए इस मंत्र का जाप करने से खीर की शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसकी चांदनी के औषधीय महत्व का वर्णन मिलता है। चंद्रदेव की जो चांदनी है इसका बहुत ज़्यादा महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। चंद्रदेव की रोशनी में रख करके दूध से बनी खीर को चांदनी में ही असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति को, रोगी को यदि आप खिला दें, उसके साथ दवाइयाँ खिलाई जाएँ तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और ख़ासतौर पर वो और प्रभावी तब हो जाता है जब इस मंत्र से सिद्ध हो। जिन लोगों को इस मंत्र को जो मैंने बताया, अगर आपको इस मंत्र को उच्चारण करने में दिक्कत है तो ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इन तीन का उच्चारण करेंगे तो एक मंत्र माना जाएगा, यानी माला की एक मनका आगे बढ़ेगी। ये जो मंत्र है उसी का शॉर्ट वर्जन है, छोटा स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है। इस मंत्र के जाप से भी वही लाभ मिलता है, तो इसका आप लाभ लेकर के अपने रूप सौंदर्य और आरोग्य की वृद्धि कर सकते हैं, सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रयोग को करने से रोगी रोगमुक्त हो जाता है और अगर स्वस्थ व्यक्ति भी इस प्रसाद को ग्रहण करता है तो वह पूर्णतः आरोग्य रहता है, आरोग्य की प्राप्ति करता है। इसके अलावा खीर देवताओं का प्रिय भोजन है, इस कारण से भी आज की तिथि में बना करके भगवान को समर्पित करते हैं, चंद्रदेव को समर्पित करते हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी यानी लोखी देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चाहे पूर्णिमा किसी भी वक्त प्रारंभ हो रही हो, पूजा दोपहर के 12 बजे के बाद के शुभ मुहूर्त में ही होती है। पूजा में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के अलावा कलश, धूप, दूर्वा, कमल का पुष्प, हरतकी, कौड़ी, आरी, छोटा सुपड़ा, धान, सिंदूर, नारियल के लड्डू प्रमुख होते हैं। जहाँ तक बात पूजन विधि की है तो इसमें रंगोली और उल्लू की ध्वनि का विशेष महात्मा और स्थान होता है। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब माँ लक्ष्मी राधा के रूप में अवतरित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला का आरंभ शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है। शैव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महात्मा होता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसी कारण से इसे कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन कुमारी कन्याएं प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देव का और चंद्रदेव का पूजन करती हैं। माना जाता है कि इससे उन्हें योग्य वर की यानी पति की प्राप्ति होती है। अनादिकाल से चली आ रही प्रथा का आज फिर से निर्वहन किया जाएगा रात्रि काल में। स्वास्थ्य और अमृतत्व की चाह में एक बार फिर खीर आदि को शरद चंद्र की चांदनी में रखा जाएगा और प्रसाद स्वरूप इसका सेवन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारा विधान था। अब पूर्णिमा की पूजा की क्या विधि होती है, आइए सूक्ष्म स्वरूप में आपको बता देता हूँ। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रातःकाल में व्रत करके अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इंद्र और महालक्ष्मी की पूजन आराधना करने के बाद उनकी पूजा करने के लिए घी के दीपक जला करके उसकी गंध पुष्प से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जागरण करने वाले व्यक्ति को धन संपत्ति की वृद्धि मिलती रहती है। इस व्रत को मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। उपवास करने वाली स्त्रियां इस दिन लकड़ी की चौकी पर सतिया यानी स्वास्तिक बना करके पानी का से भरा एक परिपूर्ण कलश उस पर रखती हैं। एक ग्लास में गेहूं भर करके उसके ऊपर रखा जाता है और गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर के कथा सुनी जाती है, जो इसकी कहानी है। ग्लास और रुपया कथा और कहने वाले स्त्रियों को पैर छू करके स्पर्श करके दे देते हैं। कथा वही कहती हैं जो घर की वरिष्ठ महिला, बुजुर्ग महिला होती हैं।
रात को चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और इसके बाद ही भोजन करना चाहिए। मंदिर में खीर आदि का दान करने का विधान होता है। विशेष रूप से इस दिन तरबूज के दो टुकड़े करके रखे जाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई नजर दृष्टि नहीं लगती। साथ ही कोई भी एक ऋतु फल जो है वह रखा जाए और खीर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाए तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की जो चांदनी होती है उससे अमृत बरसता है और इसको वर्ष में एक बार सेवन किसी भी व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, जो आपको आरोग्यता रूप सौभाग्य प्रदान करता है। चलिए, आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें समाचार प्लस पर लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।